इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्राम सुरक्षा योजना है क्या, इसके क्या बेनिफिट हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं एलिजिबल हैं, कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हमने कुछ यहाँ पे आर्टिकल ले रखा है, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे और कैसे क्या है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो बिना जोखिम के पैसा निवेश करना चाहते हैं, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है पैसा निवेश करने में, तो आपको भारतीय डाकघर पोस्ट ऑफिस स्कीम की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है अगर आप जमा करते हैं तो आपके पैसे में यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक, ग्राम सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है, डाकघर की यह छोटी बचत योजना आपको बड़ा रिटर्न दिला सकती है, इसमें आपके पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं है। इस योजना में 1500 रुपया जमा करके आप 35 लाख रुपए तक पा सकते हैं। योजना बेहतरीन है, योजना बेहतरीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की योजना है, और पोस्ट ऑफिस में अगर आप पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट भी है तो वहाँ पे पैसा जो डूबने के चांसेस नहीं, कभी अगर बैंक बंद भी हो जाती है तो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है। ठीक, साथ में आपको लोन लेने जैसी बहुत कई सुविधाएं मिल जाती है। जाने क्या है योजना, ग्राम सुरक्षा योजना में निवेश करने वाले को पूरे 35 लाख का फायदा मिलता है। इस स्कीम की यह राशि बोनस के साथ निवेशक को 80 साल की उम्र में मिल जाती है। ये जो बोनस है, बोनस के साथ में यह जो इनकम है 80 साल की उम्र में आपको दे दी जाती है। इसमें योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु 80 साल की आयु से पहले ही हो जाती है। अगर इस योजना के तहत अगर कोई भी इसमें निवेश करता है, अगर इसकी जो है 80 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी, जो उसका नॉमिनी होगा, उसको ये राशि दे दी जाती है। इसमें निवेश जो 19 साल से लेकर के 55 साल तक कोई भी भारत का नागरिक होना जरूरी है वो निवेश कर सकता है। कम से कम 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख का निवेश इसमें किया जा सकता है। प्रीमियम भरने के भी इससे कई विकल्प दिए जाते हैं। प्रीमियम अगर भरना चाहते हो इसमें कई विकल्प मिल जाते हैं, आप मासिक, तिमाही, सालाना तक आप इसमें प्रीमियम भर सकते हैं। उसके बाद यह प्रीमियम का है गणित, चलिए हम यहाँ गणित की बात करेंगे। अगर आप 19 साल की उम्र में इस पॉलिसी को खरीदते हैं, जैसे आप 19 साल के हैं इस उम्र में, तो 19 साल की उम्र में इस पॉलिसी को आप खरीद लेते हैं तो 55 साल के लिए हर महीने आपको 1515 रुपये प्रीमियम देना होगा। आप इसको मंथली भी आप जमा कर सकते हैं, ईयरली भी जमा कर सकते हैं, हाफली मतलब छमाही तिमाही भी जमा कर सकते हैं। 58 साल के लिए आपको 1463 रुपये और 60 साल के लिए 1411 रुपये का प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा। अगर आप चाहते 55 साल तक जमा करना तो आपको 1515 रुपये देने होंगे, 58 साल के लिए चाहते हैं 1463 रुपये देना होगा, और 60 साल के लिए चाहते हैं तो 1411 रुपये आपको यहाँ पे प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी खरीदार को 55 साल के लिए 3160 लाख रुपया, और 58 साल अगर रुक जाएंगे 33.40 लाख रुपया, और वहीं अगर 60 साल के लिए आप रुक जाते हैं तो 34.60 लाख रुपया देना होगा। इसके अतिरिक्त फायदे की बात कर ले तो ग्राम सुरक्षा पॉलिसी को खरीदने के बाद आप लोन का भी लाभ ले सकते हैं। इसके जो अतिरिक्त फायदे हैं, हालांकि पॉलिसी खरीदे जाने के 4 साल बाद ही लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पॉलिसी अवधि में कभी प्रीमियम भरने से चूक हो जाती है तो आप लंबित प्रीमियम राशि का पेमेंट करके इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इसमें हम ये बताना चाहेंगे, अगर आपने जो प्रीमियम भर रहे हैं, अगर आपने 6 महीने तक आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने 6 महीने तक प्रीमियम नहीं भरा, उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो 6 महीने का एक इकट्ठा आप जमा करके फिर से आप यहाँ पे प्रीमियम अपनी जो किस्त है वो चालू कर सकते हैं। अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो postallifeinsurance.government.in वाली वेबसाइट पे चलना होगा। चलिए हम इस वेबसाइट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते देख सकते हैं, नीचे आएंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया पोस्ट वाली वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। इसको थोड़ा स्लो करते हैं, एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे प्रोसीड टू www.indiapost.government.in वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। देख सकते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, सुविधा इंश्योरेंस, कस्टमर गाइड,
प्रीमियम टेबल, यहाँ से आप प्रीमियम टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस आप कराते हैं, पूरी लाइफ का इंश्योरेंस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एज एट एंट्री, यहाँ पे अगर एंट्री लेते 19 साल की, तो 55 साल, 58 साल, 60 साल एज ऑफ एंट्री। प्रीमियम यहाँ देख सकते हैं, जो आपका प्रीमियम है 876, ठीक, ये 20 एंट्री लेते हैं, तो आप यहाँ पे प्रीमियम को पढ़ सकते हैं क्या प्रीमियम यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप होल लाइफ इंश्योरेंस आप प्रीमियम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, युगल सुरक्षा इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप इसको भी डाउनलोड करके यहाँ से प्रीमियम को, क्या प्रीमियम आपकी स्कीम होने वाली। देन ग्राम सुरक्षा योजना में अपनी स्कीम, अपना योजना यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्रीमियम की ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे ग्राम सुरक्षा योजना क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से लेकर के आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसा है क्या है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप, मैं जैसे कुछ इस वीडियो में कुछ सुधार करूँ, तो आपको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इस वीडियो में सुधार कर सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।